तो आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही घर के अंदर 1 किलोवाट का भी, 2 किलोवाट का भी, 7.5 किलोवाट का भी और 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना दोस्तों? सोचने वाली बात, कोई भी व्यक्ति हो आपके घर के ऊपर सोलर पैनल उतना ही लगवाता है जितने उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं 4 अलग अलग जगह के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, परंतु इस घर के अंदर 4 अलग अलग किलोवाट के हिसाब से सोलर पैनल क्यों लगे हुए हैं, तो क्या इनकी मजबूरी रही और किस प्राइस के अंदर इन्होंने ये लगवाए हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलो दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर और कंप्लीट जानकारी आपको दे देते हैं। अभी हम कस्टमर के घर के अंदर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम इनसे मिल लेते हैं और कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम दीक्षांत गढ़वाल है। सर आपके ऐसे क्या मजबूरी हुई, सबसे पहले आपने 1 किलोवाट का लगवाया, फिर 2 किलोवाट का, फिर 7.5 किलोवाट का, फिर 10 किलोवाट का? अपने घर के 2 पार्ट है, एक पार्ट में 1 किलोवाट का लगाया उसमें अपन संतुष्ट हुए, फिर दूसरे पार्ट में 2 किलोवाट का लगाया उससे अपन संतुष्ट हुए, फिर हमने सोचा कि यार ठीक है तो 10 किलोवाट का लगवाया ऑफ ग्रिड सिस्टम, तो वो बेटर देन बहुत शानदार काम कर रहा था, UTL का था, और दूसरी बात कंपनी अच्छी थी और जो लगाने वाले थे वो उनसे भी अच्छे थे। हाँ, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि अपन किसी चीज़ को ले तो लेते हैं, फिर उसमें सर्विस का देखते हैं, छोटी सी भी अगर अपने मानो ये प्रॉब्लम आई नहीं लेकिन अगर फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपना काम तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता। फिर ऑफ ग्रिड का काम तो ये हो गया, फिर हमने सोचा कि एक ऑन ग्रिड भी लगवा लेते हैं। सर आपने जो ऑन ग्रिड लगवाया वो सर कितने किलोवाट का था अपना? 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट का, तो आपने अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगाते रहे। हाँ। और आपको एकदम प्रॉपर बिजली मिल रही है जी? प्रॉपर बिजली मिल रही है, और सोलर का एक ऐसा काम है कि अपन खुद अपनी बिजली बना रहे हैं और अपन काम में ले रहे हैं। पहले आपका जो बिजली का बिल आता था वो कितना आता था जी? वो सर अलग अलग टाइप से आता था, सर्दियों में अलग आता था, गर्मियों में अलग आता था, बिल की अधिकता खूब थी, और प्रेजेंट टाइम आज ये है कि मेरा बिल 0 है। सर अभी आप फिलहाल सोलर के ऊपर क्या क्या आइटम चला रहे हैं? सर बिजली से चलने वाले सारे उपकरण चला रहे हैं, कूलर, पंखा, लाइट, फ्रिज, जो अपनी आटा चक्की होती है वो, पशुओं के लिए जो गंडासे वाली मशीन होती है वो, AC भी है, ऐसे सारे उपकरण हैं। तो यानी कि सभी आइटम आपके एकदम प्रॉपर चल रहे हैं, बिजली का बिल भी आपका 0 हो चुका है? 0। आप जो मेन लोकेशन है जी वो क्या है जी अपनी? सर मैं जिस लोकेशन पे हूँ उस लोकेशन से सीकर और झुंझुनू दोनों फेमस है, उसी के पास आपका गांव है। हाँ। और गांव के अंदर ही खेतों के अंदर लगभग आपने सिस्टम लगवाया हुआ है। तो गुड़िया आप बताएंगे कि आपके घर पे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो इसके बाद में आपको कुछ फायदा हुआ है? यस, AC प्रॉपर चलती है, कूलर चलता है, सब कुछ प्रॉपरली। अब हमारे साथ में है जो राजस्थान के मेन डीलर है जो UTL कंपनी के हैं, और राजस्थान के अंदर इन्होंने काफी बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, इन्होंने ही इस घर के अंदर ये अलग अलग सोलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं। अभी हम इनसे इनका प्राइस क्या है वह जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर आपने इस घर के अंदर जो अलग अलग सोलर सिस्टम लगाए हैं तो उनके प्राइस के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो सर आपने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया था तो उसका प्राइस क्या है ये बताइए? सर उसका प्राइस 60,000 रुपए। तो उसके अंदर क्या क्या लगाया जी? उसमें एक बैटरी है, 1 किलोवाट के पैनल है, स्ट्रक्चर है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर है। सर जो पैनल है वह आपके कितने वाट के रहेगा? वो 335 वाट के 3 पैनल है। 3 पैनल आपने लगाए हैं जी उसके अंदर, और एक इन्वर्टर है सोलर। हाँ। वो UTL कंपनी का मॉडल क्या जी? वो गामा प्लस है। और बैटरी थी जी वो? जी वो UST मॉडल है सर। UST। इसके बाद में आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो उसका क्या प्राइस है जी? सर उसका 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए जी। और जी उसके अंदर क्या क्या आपने लगाया था? उसमें सर पैनल है 335 के 6 पैनल है, 2 बैटरी है 150 AH की, और 2 किलोवाट का गामा प्लस इन्वर्टर है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं 10 किलोवाट का जो सिस्टम था उसके बारे में, तो उसका प्राइस क्या था सर? सर उसका प्राइस था 4,70,000 रुपए। 4,70,000 रुपए का जी। तो उसके अंदर आपने क्या क्या लगाया जी? उसमें सर 335 वाट के 30 पैनल है, पॉलीक्रिस्टल पैनल है, और अल्फा प्रो इन्वर्टर है 10 किलोवाट का, और 10 बैटरी है UST। उसके बाद में आपने 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया था सर, उसके बारे में बताएं। सर इसमें ये 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है, जो कंप्लीट सामान इसमें UTL का है, और मोनो के 540 वाट के 15 पैनल लगे हुए हैं। ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर वो कौन सा है जी? वो UTL का ही है सर। मॉडल कौन सा रहेगा जी? वो 5.3। सर इसका जो टोटल प्राइस क्या था? ये सर लगभग 3,20,000 रुपए लगा। इस तरह से सभी आपने सिस्टम यहाँ पे लगाया था। गारंटी वारंटी की बात करते तो उसमें क्या रहती है जी? सर पैनल की 25 साल वारंटी है, पोली की, मोनो की 27 साल है, और जो बैटरी उसकी 5 साल की है, और जो इन्वर्टर उसकी 2 साल की है। 2 साल की है। सर इसमें जो स्ट्रक्चर लगा है वो अपोलो का पाइप का लगा है, हेवी ड्यूटी के अंदर, और जो अर्थिंग है वो हमने A1 की हुई है, एलिस्टर जिसको बोलते हैं, वो हमने अच्छी क्वालिटी का लगाया, मेड इन टर्की का। जैसे कि सुनने में है कि आप राजस्थान के मेन डीलर है UTL के, और काफी बड़े बड़े आप सिस्टम लगाते हैं सोलर वाले। तो जी आपका प्राइस क्या रहता है?
सर हमारी बहुत ही कम प्राइस होती है और हम उचित दर में सोलर लगाते हैं सर। तो किसी को भी लगवाना हो जी राजस्थान गिरी में जी तो जी आप सर्विस दे देंगे सर? बिल्कुल सर। तो दोस्तों आपने सुन लिया है कि इस घर के अंदर अलग अलग किलोवाट के हिसाब से सोलर सिस्टम लगा हुआ था, इनका जो प्राइस क्या था वह भी आपको बता दिया है। तो आप भी राजस्थान से हैं और आप होलसेल रेट के अंदर लगवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें।